बहुत बार आपकी सरकार देखी और हर बार सरकार बनी है तो पत्थरों के अलावा दूसरा कोई काम आपने नहीं किया। और अब याद आ रहा है बहुत सा पुरानी चीजें आपको याद आ रही है कि हम तो पुलिस के बॉर्डर स्कीम खत्म कर देंगे, हम तो पुलिस को ये भी सुविधा दे देंगे, इस बार विकास भी करेंगे। हम कहते हैं कि आप पे तो किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो पिछले लोकसभा में आपको कितनी सीटें मिली थी? जीरो सीटें मिली, एक भी सीट नहीं मिली। और हमने जानकारी कराई कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सीटें जीरो कैसे रह गई। और यकीन मानना, जब सच्चाई सामने आई तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरा वोट और कई जगह वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा दिया। ये चुनाव में हो सकता है कुछ भी कह दें, लेकिन इनके रिश्ते पुराने भारतीय जनता पार्टी से, तीन बार मिलकर के सरकार बनाई थी। और हो सकता है अगर कहीं मदद करने के लिए बीजेपी जी ना फिर एक बार और सरकार बनवा दे, प्रदेश के चुनाव में आपकी समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल इसकी जरूर मदद करना, क्योंकि समाजवादी लोग कम से कम जो कहते हैं वो जमीन पर उतारने का भी काम करते हैं। अगर एम्बुलेंस चलाई नहीं कहा एम्बुलेंस चला के दिखा दिया, अगर विद्यादान देने की बात कही तो विद्यादान देकर दिखा दिया। आने वाले समय में किसानों से लेकर के हमें नौजवानों को बहुत सुविधाएं देंगे। इधर रोजगार को लेकर के बहुत समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, जितने विभाग थे उनमें नौकरियां देने का काम किया। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक, ITI, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बढ़ सके, उस दिशा में भी तमाम नौजवानों को कैसे पढ़ाई के साथ रोजगार कर सके, उस दिशा में काम किया। आने वाले समय में मौका मिलेगा तो किसानों को सुविधाओं के साथ साथ अपने नौजवानों को रोजगार देने का भी इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, अभी सुना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं बताओ कि कानून व्यवस्था में अगर सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया तो प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। ये 100 नंबर जितना मजबूत हो जाएगा, जितना इसमें और इंतजाम कर देंगे, मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा। जहां 100 नंबर में, और मैं तो पूछता हूँ केंद्र सरकार से कि अगर आपने 1 रुपए की भी मदद की हो उत्तर प्रदेश की पुलिस के 100 नंबर बिल की, मैं कहना चाहता हूँ कि बताएं कि आपने कितनी मदद की। कोई मदद उनकी तरफ से नहीं, इसलिए इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करना, सहयोग करना। हाजी रियाज साहब मंत्री रहे हैं, बीच में मंत्री बने, लेकिन आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हो सकता है 5 साल पूरी सेवा करने का मौका मिले। इसलिए हाजी रियाज साहब के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी की लड़ते हैं उनकी मदद करना, समाजवादी पार्टी के और जो 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी भी मदद करना, जिससे कम से कम हम लोग इस बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। हम तो कहते हैं कि सिख भाइयों के लिए भी हमने थोड़ा काम भी बहुत किया, लेकिन हमारे यहाँ नेता ही नहीं आगे निकल पाए तो हमें पंजाब से नेता लाना पड़ा रामूवालिया जी, और उसके बाद मंत्री भी उन्हें बना दिया। ये जो सिख भाई, हम आपसे विशेष निवेदन कर रहे हैं, आप तो जमीन के लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, आप जानते हो कि कौन सी पार्टी है जो आपकी सुचिंतक है, आपकी मदद करने के लिए आगे आई है। जहां हमारे घोषणा पत्र में सुविधा देना शुरू की है, सिंचाई का नहीं लगता, वही बिजली का इंतजाम भी बेहतर किया है, सब्सटेशन बना करके और बेहतर करेंगे। वही हमने तय किया है कि किसानों को अगर बीमारी से लेकर के कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी इलाज की जरूरत पड़ गई तो सरकार की तरफ से किसानों की मदद होगी। वही जहां 5 लाख पहले किसान दुर्घटना बीमा मिलता था, अब 7.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने का काम करेगा। इसलिए इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने के लिए, और देश की राजनीति किस दिशा में जाए उसके लिए हमारी मदद कर देना। अब तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, और जब कांग्रेस पार्टी आपके साथ है तो न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी राजनीति में बदलाव लाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आज ये सभी मदद करना, अच्छे वोटों से जिताना, बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे। इसलिए एक साथ
بدونم که نه بود.